Praise the Lord, God's morning again, एक और बार, hallelujah. I believe आज के दिन आप ठीक होंगे, बलवंत और बलवंत होते जाइए, प्रभु की स्तुति करते जाइए. यदि आपके पास कोई समस्या है और आज तकलीफ में है, then use the power of your knees, अपने घुटनों की ताकत का इस्तेमाल कीजिए. आपके घुटने, जी हाँ, देखिए प्रभु यहोवा के सामने एकांत में जाइए, बात कीजिए. प्रार्थना करना कई बार लोगों को लगता है कि भारी काम है, पर आप बात तो कर ही सकते हैं. जैसे आप किसी को भी बताना चाहते हो, बैठ जाओ. यदि घुटनों पर ना बैठ पाओ तो कोने में बैठ जाओ, जैसे भी आप बैठ जाओ, लेट जाओ, लेकिन बात करो प्रभु यहोवा से एकांत में. आप यदि ज़्यादा थके हुए हो तो अपनी थकान उतारो, थोड़ा आराम करो, सो जाओ और फिर परमेश्वर से बात करने के लिए बैठ जाओ. लेट जाओ, चलते फिरते बात करो. वॉकिंग प्रेयर सुना है आपने कभी? मैंने इस बारे में बहुत बार बात की है. अगर आप मुझे लगातार सुन रहे हैं तो आपने मुझसे सीखा होगा वॉकिंग प्रेयर. मैंने बहुत वॉकिंग प्रेयर की है. इवन मैं वॉकिंग प्रेयर करता था एंड प्रेयर राइडिंग भी करता था. मेरी खुद की टीम थी जिसमें मैं लोगों के साथ मोटर बाइक पर घूम घूम के गली गली में लोगों के लिए प्रार्थना करता था. आज भी चाहता हूँ, लेकिन आज मैं बाइक राइड तो नहीं कर पाता, पर पॉसिबली कोशिश करता हूँ, एक अच्छा समय बिताऊँ. लॉर्ड इज़ बिग, वो प्यार करता है और वो आपके जीवन में इन दुखों तकलीफों को बदल देगा. वो सिर्फ ये चाहता है कि आप उसके साथ सच्ची ईमानदारी, बाप बेटे जैसी रिश्तेदारी रखो. अगर आप बेटी हैं तो बाप बेटी जैसे रिश्ते रखो. वैसे कहा जाता ना कि बेटियां ज़्यादा निकट होती हैं पिता के, तो आपको प्रभु के निकट जाने में किस प्रकार का संकोच. मेरे साथ पढ़िए भजन संहिता 134, 1, 2 और 3 पद. हे यहोवा के सब सेव को सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो. रात रात को, हर समय. आप चाहे जो भी कुछ कर लें, लेकिन आपके लिए आवश्यकताएं, व्यवस्थाएं और भरपूरी तो सिर्फ यहोवा की ओर से आती है. बहुत सारे लोग कमाते तो हैं लेकिन सुख नहीं भोग सकते उससे. आप जो कमाओगे, आपके पास जो कुछ होगा, उसमें सुख यहोवा की ओर से ही आ सकता है. वचन 2, अपने हाथ पवित्र स्थान से उठाकर यहोवा को धन्य कहो. यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सियोन में से तुझे आशीष देवे. That's it, simple. Is this heavy? क्या यह भारी है? किसी ने मुझसे कहा कि मैंने भजन लिखना शुरू कर दिया है. Not for anyone else, किसी और के लिए नहीं, it's for you. लिखना शुरू कीजिए, 2 लाइन 3 लाइन, जैसे कि आपने भजन संहिता 134 अभी मेरे साथ पढ़ा है. बस 3 लाइन, is that heavy? क्या मुश्किल है? आओ मिलकर भजन की प्रार्थना करते हैं. मेरा प्रेम, मेरे जीवन की शांति प्रभु यहोवा की ओर से है. मेरे जीवन की सेवा जो मैंने पाई है, मैं तेरा धन्यवाद के साथ, तेरी स्तुति के साथ अपने जीवन से तेरी महिमा करूं. मेरे भाई, मेरे बहन जो इस समय तेरे वचन को मेरे साथ बैठकर सुनते हैं, पढ़ते हैं, अपने जीवन में तेरे द्वारा अनुग्रह और आशीष प्राप्त करते हैं, स्पर्श जो तेरा है वो प्राप्त करते हैं और अधिक फलवंत और बलवंत कर दे. जीवन से तेरी महिमा सदैव और पहले स्थान से हो. धन्यवाद तेरा जो तूने प्रेम किया. सारा आदर, सारी महिमा तुझे, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन. प्रभु आपको आशीष करे. किसी ने मुझसे कहा कि आपकी लंबी लंबी प्रार्थनाएं, मतलब आपकी प्रार्थना इतनी छोटी छोटी क्यों होती है? मैंने इस बारे में कई बार बताया, मैं जो भी प्रार्थना करता हूँ एक एक शब्द को महसूस करता हूँ. बड़बड़ाना या बहुत ज़्यादा जोर से बोलना या बहुत कुछ दिखाना मुझे नहीं पसंद, पर मैं जो जो शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, शब्दों को जानता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस रीति से बोल रहा हूँ और उन शब्दों को मैं समझता हूँ, बस उतना काफ़ी है. क्योंकि ये प्रार्थना सिर्फ प्रार्थना नहीं है, उससे भी बढ़कर मैं प्रभु से बात करने पे भरोसा करता हूँ. That's it. This is the relationship. Lot of people still asking,
लोग अभी भी पूछ रहे हैं कैसे प्रार्थना करूं, कैसे प्रार्थना की जाती है। वेल, मंत्र उच्चारण में प्रभु यीशु पर विश्वास करने से पहले किया करता था, क्योंकि वही मैंने धर्म से सीखा था। लेकिन पिता की संगति करने के बाद पिता से बात करने के लिए मुझे मंत्र उच्चारण नहीं करने, बस कह दो अपने दिल की बात। आपको आत्मा से क्या अगुवाई होती है, कह दो। बाप सब जानता है, भले ही बेटा तोतला क्यों ना हो। प्रभु आपके साथ हो। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें। विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।